तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। और इस वाली वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है पूरी गेमिंग कम्युनिटी से। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम 10 RP का गिव अवे भी कर रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। करें पहली अपडेट की, तो जो जोनाथन है वो अपनी स्ट्रीम पे हमें सैड देखने को मिले, क्योंकि जो कास्टर है उन्होंने कहा कि जो जोनी का ऑफिशियल टूर्नामेंट में वो परफॉर्मेंस नहीं रहता जो कि बाकी टूर्नामेंट्स में होता है, तो इसी के ऊपर वो थोड़े सैड हो गए थे। और उन्होंने क्या कहा वो आप देख सकते हैं। जोनी ब्रो, आज कास्टर ने बोल रहे थे कि जोनी का परफॉर्मेंस ऑफिशियल टूर्नामेंट में आएगा, जैसे डायर फैन हूं अब यार, क्या इट hurts to listen, to show them who you are. ये किसने बोला भाई? ये किसने बोला? और पहली बात ये official unofficial क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे कुछ ये कुछ क्या कुछ ये है क्या अब official unofficial ऐसा कुछ होता है? Caster ने बोला। Caster said Johnny can only unofficial. कौन था वो? कौन Caster? Ignore करो यार ऐसे। बिल्कुल एक simple चीज़ है guys। बोलने वाले बोलेंगे। कौन से कास्टर है? ये कान से सुनो, ये कान से कोई पकड़ने आ रहा है तो जस्ट आप इग्नोर कर रहे हो कि क्या कर रहे हो वो डिपेंड करता है। सिंपल चीज है, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 12 किल है कल और 7 किल मारने के लिए एक मैच भी मार दूंगा। सही पिछले हफ्ते में वो प्रदर्शन करके दिखाया वो काफी अच्छा था, बट अगर बाकी प्लेयर्स की बात की जाए जो ना तक थोड़े से अभी तक पीके नजर आए हैं आज के दिन के अंदर, वो भी वापसी करने की जरूर कोशिश करेंगे। आखिरी मैच के अंदर अगर नियो की हम बात करते हैं, BGIS के अंदर MVP रहे थे, एक बहुत बड़ी चीज है। एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर अगर आप MVP हैं तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। बिल्कुल, वो हमें खेलते हुए उस तरीके से दिखाई दीजिए। बट अगर जोनाथन की आप बात करें तो ग्राइंड में भी हमने उनको चलते हुए नहीं देखा था। BGIS का जो मेन इवेंट हुआ उसमें भी हमने उनको चलते हुए नहीं देखा। अभी हमारा BMOC का द ग्राइंड चल रहा है, उसमें भी हम जोनाथन को उतना अच्छा करते हुए नहीं देख रहे हैं। ऑफिशियल इवेंट्स में जोनाथन का जो गेम है वो धीरे धीरे थोड़ा पीछे जरूर जा रहा है, बट उम्मीद करते हैं वो जो MVP का खिताब। तो जो क्लिप थी उसमें जो मेजी थे उन्होंने जोनाथन के बारे में ऐसा बोला था, तो सब लोग उनको हेट दे रहे थे, तो इसी के ऊपर उन्होंने रिप्लाई भी किया, तो आप देख सकते हैं उनका रिप्लाई। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो निकल के आ रही है घातक भाई की तरफ से। तो उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे जो जी है उनको अप्रिसिएट किया, और साथ में उन्होंने अप्रिसिएट किया मायावी को। उन्होंने मायावी को अप्रिसिएट करते हुए कहा कि जो मायावी है उनसे बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि वो एग्रेसिव लाइनअप बनाने वाले हैं और अब दिख रहा है कि वो कामयाब भी हो चुके हैं अपने इस काम में, तो उन्होंने इसी पे उनको अप्रिसिएट किया, आप देख ही सकते हैं। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो निकल के आ रही है मैक्सटन की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो कैसे कमा रहे हैं और कितनी सैलरी मिलती है उनको, तो उसी के ऊपर उन्होंने बात की, तो आप देख सकते हैं। Tier 1 टीम है जो ए कैटेगरी जिसको मैं बोलूंगा, उनके पास तो और गए सैलरी मिल जाती है। एवरेज सैलरी Tier 1 प्लेयर की होती है 40,000 से ऊपर, ठीक है, Tier 1 प्लेयर की बता रहा हूँ, 40,000 से ऊपर ही उठी सकती है। और जो Tier 1 में भी ए कैटेगरी टीम है, लाइक जो मतलब जीत रही है टूर्नामेंट, जैसे अभी स्काइलाइट जीती, गॉडलाइक जीती, सोल हो गया, इन सबको मैं ई कैटेगरी में जोड़ता हूँ क्योंकि इन सबका फंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये लोग अपने प्लेयर्स को मेंटेन करते हैं कि इनको बेस्ट फैसिलिटीज मिले, बेस्ट से बेस्ट, कि इनको कभी ये कमी ना हो कि हमारे पास डिवाइस नहीं है, दैट्स व्हाई वी डिडंट परफॉर्म। तो इन सबकी सैलरी एवरेज मैं कह सकता हूँ 80,000 से 1.5 लाख के बीच में होती है। तो बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो निकल के आ रही है 420 की तरफ से। तो उन्होंने बात की कि क्या उनको अच्छे ऑफर आते हैं तो वो TX को लीव करेंगे और किसी और टीम को ज्वाइन करेंगे, तो उनका रिप्लाई आप देख सकते हैं। भाई तू बेटर ऑफर के लिए TX लीव करेगा क्या? भाई मेरे पास देखो बेटर ऑफर सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऑफर था, मैं जब टीम में उसके बाद ही मेरे को ऑफर आया, ठीक है, मैं इस टीम में आ गया ना उसके बाद ही मेरे को ऑफर आया, मेरे को उससे पहले भी ऑफर आया, मैं चाहता तो जा सकता था कहीं और भी। मैं जब देखो यार मेरे पास, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऑफर है, बट हाँ टच वुड भाई जब भी मेरी टीम छूटी है तो मेरे को एक टीम मिल गई है, अच्छी टीम मिल गई है हर बार उसके अलावा, तो वो सीन रहता है भाई। मैं उतना परफॉर्मेंस अपनी साइड से उतना मैं परफॉर्म कर चुका हूँ पास्ट में, एंड लोगों को पता है कि भाई क्या सीन है। सो ऑफर्स हमेशा रहते हैं, द सीन इज़ प्रायोरिटी। मैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरी ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है, ठीक है। एक दिन जिम में मैं आई पाजी,
तो बस यार आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, अगर कोई और न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो और 10 RP गेम में पार्टिसिपेट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।